करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक निफ्टी के जितनी भी बातचीत मैं करता हूं वो करंट मंथ फ्यूचर के एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे मैं अभी जनवरी 2022 27 जनवरी के वायदे कारोबार की बात करता हूं और मैजिकल फिगर भी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के देता हूं जो कि वापस से 27 जनवरी के वायदे कारोबार के होते हैं। आज का सपोर्ट लेवल लिया था 17,777 का, आज का लो पोस्ट हुआ है 17,694 का। रेजिस्टेंस लेवल लिया था 18,050 का, आज 18,050 का आज का हाई पोस्ट हुआ है 17,968 का और मैजिकल फिगर था 17,860 का, क्लोजिंग आई है 17,803 की। मैजिकल फिगर के नीचे की क्लोजिंग आई है इसीलिए थोड़ा सा संदेहजनक हो रहा है बाजार। 17,770 का पहला सपोर्ट, 17,696 का दूसरा सपोर्ट। एक्चुअली जो आज का लो लगा है वो भी एक हमारा रेजिस्टेंस हुआ करता था जब बाजार नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था और आज एग्जैक्ट वही लेवल का लो लगाया। अगर आप लोग इंटेलिसिस के दिए हुए लेवल्स को नोट डाउन करते हैं तो उनमें देखिएगा 17,696-95 के आसपास के रेजिस्टेंस भी दिए गए बहुत बार। रेजिस्टेंस होगा 17,855 और 17,950। 17,950 को काटता है तो 18,150 और 18,350। इसके ब्रेकआउट के सिम्टम्स कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मैजिकल फिगर के साथ बताऊंगा। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल लिया था 17,555 का, आज का लो 37,555 का, आज का लो पोस्ट हुआ है 37,688 का, ऑलमोस्ट इसने रिस्पेक्ट किया है। और टचवुड, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है बहुत टाइम बाद, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल दिखा रही है आगे बजट के लिए। रेजिस्टेंस लेवल लिया था 38,360 का, आज का हाई पोस्ट हुआ 38,264 का, क्लोजिंग आई है 37,977 की। कल के लिए इसके सपोर्ट नजर आ रहे हैं 37,590 और 37,250। 38,115 का पहला रेजिस्टेंस, 38,490 का दूसरा रेजिस्टेंस। बात करेंगे मैजिकल लेवल्स की। मैजिकल फिगर 17,860 का मैजिकल फिगर था निफ्टी का, अब वो मैजिकल फिगर हो चुका है 17,830 का। और मैं आप लोगों को जब ये 18,200-18,300 भी चल रहा था तो मैं कह रहा था कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे क्योंकि लेवल्स बहुत दूर दूर है। और आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें भी समझाई थी कि अगर मैजिकल फिगर बहुत दूर हो जाए तो बाजार बहुत ओवरबॉट टेरिटरी में चला जाता है या फिर एक बहुत एक्सटेंसिव रैली आती है अपसाइड की अगर उसको ऊपर आना है मैजिकल फिगर को। लेकिन एक्सटेंसिव रैली नहीं आ पाई क्योंकि बजट का इवेंट है और बजट में कुछ ना कुछ घमासान होने वाला है। ये जो वोलेटिलिटी चल रही है ये कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं है, बहुत बड़ी इवेंट है बजट की। बजट के दिन बाजार में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, उसके पहले छनाई चल रही है। जैसे कि चाय पत्ती, चाय पीने के पहले आप लोग उसको छानते हैं, उसी तरह बाजार कर रहा है छनाई। कल के लिए मैजिकल फिगर होगा 17,830 का। अब मैं बताता हूं आप लोगों को बजट में कौन कौन से सेक्टर्स को फायदा हो सकता है, पहले भी दो चार बार बताया है और आगे भी लग रहा है। 17,830 का हो चुका है मैजिकल फिगर निफ्टी का। अब यहां पर ब्रेकआउट कहां पर आएंगे और बाजार आगे क्या रूपरेखा बना सकता है। ओवरऑल 17,236 का मंदा लगता नहीं, यानी यहां से अगर गिरा तो 400-500 पॉइंट और गिर सकता है। ऊपर के बाजू में 17,950 को काटेगा तो पहला सिम्टम मिलेगा तेजी डेवलप होने का। दूसरा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा 18,150 के बाद और 18,350 के बाद सीधे 19,000 प्लस के लेवल देखे जा सकते हैं। लेकिन इसको 17,950, 18,150 और 18,350 को काटना होगा। जिस दिन भी ये अब 18,350 को काटेगा उस दिन 19,000 या फिर 19,000 के आसपास के फिगर लगा सकता है और पॉसिबली 20,000-22,000 तक के भी फिगर लग सकते हैं अगर बजट अच्छा आता है तो, जिसकी एक्सपेक्टेशन मुझे ज्यादा है। अब बजट में फायदा किसको हो सकता है, बजट में जहां तक बाजार हमें खुद इंडिकेशन देता है कि मैं कहां कहां तेजी दिखा रहा हूं, कहां कहां स्ट्रेंथ है और कहां कहां क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो मुझे बाजार देखकर ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, इन सब सेक्टर्स को बेहद बढ़िया बजट हो सकता है इन सब सेक्टर्स के लिए। फाइनेंशियल सेक्टर्स में अब बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है और ये हमारा मैजिकल फिगर हमको बता रहा है, मैजिकल फिगर के नीचे ट्रेड नहीं हो पा रही निफ्टी। मैजिकल फिगर आज के लिए था 37,250 का, अब वो मैजिकल फिगर हो चुका है 37,370 का। आप देखिए निफ्टी ने मैजिकल फिगर तोड़ा लेकिन बैंक निफ्टी ने मैजिकल फिगर नहीं तोड़ पाया, यानी कि बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ में है।
अब बैंक निफ्टी के कहां कहां पर लेवल कैसे कैसे ब्रेकआउट होते हैं, तो क्या सिम्टम्स मिलेंगे। जब तक 37,200 का लेवल नहीं तोड़ता तब तक तेजी वालों को घबराने की कोई बात नहीं है। ऊपर के बाजू में 38,870 ये भी आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है। 39,270, 39,580 और फाइनल इसका ब्रेकआउट 40,800 को अगर काटती है तो सीधे 49,000 बैंक निफ्टी। थोड़ा टाइम ले सकती है, बाजार एक सांस में नहीं बढ़ेगा। आप लोगों को भी अगर 2 किलोमीटर भागना है, 5 किलोमीटर भागना है तो 100-200 मीटर में आराम करते हुए चलोगे। इतनी तेजी से बाजार नहीं भाग सकते, रुकोगे, पानी पियोगे, फिर चलोगे, उस तरह का बाजार लगता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते रहिए हर गिरते बाजार में, और मैजिकल फिगर को रिस्पेक्ट करते रहिए। मैंने आप लोगों को ऊपर के लेवल कौन कौन से कटते हैं, कंडीशन अप्लाई जरूर है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर ये लेवल कटते हैं तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेकआउट देखे जा सकते हैं, और जब तक ये लेवल नहीं कटते तब तक करेक्टिव फेज पे रह सकता है बाजार। तो बैंकिंग सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर में नजर बना के रखनी चाहिए हम लोगों को। बाकी कंज्यूमर फाइनेंस को भी अच्छे, ऑटो सेक्टर को भी एक अच्छा पुलबैक मिल, अच्छा बजट मिल सकता है। तो ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और इन सब सेक्टर्स में नजर बना के रखिए। फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस जैसे अब बजाज फाइनेंस हो गया, ऐसे बहुत सारे तमाम सारे शेयर्स मिलेंगे आप लोगों को जिनको बजट का बेनिफिट मिल सकता है। तो इंडेक्स के लेवल्स के आधार पर भी आप लोग ऑप्शंस के ट्रेड उठा सकते हैं, मैजिकल फिगर के आधार पर ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक की रणनीतियों के आधार पर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मैं आजकल व्यू शेयर करता रहता हूं। सन फार्मा आज स्टॉप लॉस जरूर है, लेकिन वो भी मुझे 790 के नीचे का स्टॉप लॉस लेके खरीदारी की जा सकती है ऐसा लगता है। तो ये थी हमारी स्टॉक मार्केट की कल की अपडेट्स। आज अभी टाइम हो रहा है 3:55, तारीख 20/1/2022। तो आशा करता हूं आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो जाते जाते प्यार मोहब्बत भरा लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जिन्होंने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई यहां पर खोई हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी सोशल मीडिया की लिंक होती है, स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए ताकि आपके और मेरे बीच की कनेक्टिविटी बनी रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कंपनियों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक होते हैं, आप चाहें तो उन्हें क्लिक करके अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेरी बताई हुई रणनीतियों को, और पा सकते हैं कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। उसके लिए आपको इंटेलिसिस के कस्टमर केयर में संपर्क करना होगा, ऊपर आई बटन में पास वीडियोस के लिंक होते हैं, उन्हें भी देखिए ताकि मार्केट की साइकोलॉजी आप लोगों को समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।